सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कपिल मिश्रा को भाजपा के लोगों ने ही पीट दिया। इस वीडियो में कपिल मिश्रा को मंच पर किसी शख्स से उलझते हुए देखा जा सकता है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। कांग्रेस सदस्य जकिया खान ने यह वीडियो ट्वीट किया जिसमें ढेरों लाइक और रीट्वीट मिले। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने भी ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट किया। फेसबुक और ट्विटर दोनों ही जगहों पर यह वीडियो यही बताकर शेयर किया गया कि कपिल मिश्रा को उनके ही खेमे के लोगों ने पीट दिया। लेकिन इस वीडियो की असलियत कुछ और ही है। हमने जब फेसबुक पर ढूंढा तो पाया कि यह वीडियो 2018 में फेसबुक पर मौजूद था। जब हमने खबरें ढूंढनी शुरू की तो अमर उजाला की एक रिपोर्ट मिली। इसमें बताया गया था कि एक सामुदायिक भवन का उद्घाटन कौन करेगा, इसको लेकर बहस छिड़ गई और आम आदमी पार्टी और भाजपा के लोग आमने सामने आ गए। अमर उजाला की रिपोर्ट में लिखा हुआ था, कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय निगम पार्षद के ससुर हाजी बल्लू ने जैसे ही मंच से कहा कि ऐसा ना हो यहां भी सिग्नेचर ब्रिज जैसा माहौल बन जाए तो हालात बिगड़ गए। कपिल मिश्रा ने इस बयान का विरोध करते हुए कहा कि इसका उद्घाटन निगम के मुखिया को ही करना चाहिए। इसे लेकर शुरू हुए विवाद के बाद मंच पर धक्का मुक्की होने लगी। हालात बिगड़ते देख महापौर ने मंच से नीचे उतरकर अनावरण कर औपचारिकता पूरी की। इसके बाद भी आप नेता नहीं माने, उन्होंने भी बुजुर्ग व बच्चे से उद्घाटन कराया। 28 नवंबर 2018 को कपिल मिश्रा ने अपने फेसबुक पेज से जागरण का एक आर्टिकल भी शेयर किया था। इसमें भी एक घटना से जुड़ी यही जानकारी मौजूद है। आज तक के डिजिटल वर्टिकल दिल्ली तक ने इसी घटना का दूसरे एंगल से लिया गया एक वीडियो शेयर किया था। और फिर सोशल मीडिया पर जब इस बात की जानकारी दी गई कि यह घटना हाल की नहीं बल्कि 2018 की है और कपिल मिश्रा को उन्हीं की पार्टी के लोगों ने नहीं पीटा था, तो प्रशांत भूषण ने सफाई देते हुए एक और ट्वीट किया।